यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। भाई इस गेम में पिछली बार हम लोगों ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर दिया, अच्छा खासा ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ था अपना। दो गाड़ियां सेल करी थी हम लोगों ने, उसमें नॉर्मल ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो गया था अपना। बट भाई एक गाड़ी को अपने ज्यादा प्रॉफिट ना करके सस्ते में बेच दी थी, क्योंकि अब वो गाड़ी ऐसा लग रहा था अपन को थिंक में कि वो गाड़ी लॉस करवा सकती है अपना। तो भाई कोई ना, आज अपने पास शायद $10,000 है अपने पास ऑलरेडी। तो आज भाई कोई ढंग की गाड़ी परचेस करके ढंग का सा बिजनेस इंपायर करना है अपने को। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट सीधा गेम में। तो ठीक है गाइस, सुबह हो चुके हैं भाई, हम लोग उठ चुके हैं। और भाई अपने पास देखो, मैंने बोला था $10,000 तो होंगे, तो अपने पास $10,000 है ऑलरेडी। ठीक है बाबा, चलो अभी बाहर निकलते हैं। ठीक है भाई, अभी अपन चलते हैं फटाफट अपने को घर को करते हैं लॉक आराम से। तो ठीक भाई चलो, अभी हम लोग फटाफट अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। भाई लेट वेट तो क्या ही हो गया, चलो कोई ना, सुबह 7 बज गए अभी तो। ठीक है हम लोग देखो अपने ऑफिस वगैरह पे आ चुके। देखो अपना एक चीज मस्त है, देखो यहीं पे ऑटो रिपेयर है, यहीं पे अपने सामने अपना ऑफिस है। तो दोनों आमने सामने रिपेयर कराओ, यहीं पे डाल दो गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ये कचरा वचरा फेंकना तो कंपलसरी है, अपन को पता ही है इस चीज़ तो। कोई ना, अभी अब तो आदत सी हो गई अपने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सफाई वफाई कर लेते हैं फटाफट। ओके ऑल राइट गाइस, भाई सफाई वफाई हो चुकी है पूरी कंप्लीट, अंदर तो क्या ही गंदा होगा। खैर कोई ना, अपन ऑफिस वगैरह ओपन कर देते हैं अपना एक बार। कस्टमर वगैरह कोई भी आएगा तो वेटिंग रूम में वेटिंग कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं सोफे वगैरह बैठ के। अभी अपने पास एक भी गाड़ी वगैरह नहीं है, यहाँ पे $10,000 है अपने पास। तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, अपना अपन डायरेक्ट कार मार्केट चल रहे हैं आज। कार मार्केट से गाड़ी परचेस करेंगे कोई अच्छी सी, भाई कार मार्केट बस खुल गया वो। पर ठीक है, हम लोग कार मार्केट आ चुके हैं। भाई कार मार्केट किस साइड गया, इस साइड था ना। भाई देखो ये लग गया अपने $10 बर्बाद, ये सीन मेरे को बड़ा गंदा लगता है यार। अभी कार मार्केट बहुत लेट खुलता है एक तो कार मार्केट खुला नहीं। कोई ना, अब नेबरहुड आ गए हम लोग, नेबरहुड से लेंगे गाड़ी। तो गाड़ी अपने पास एक भी नहीं है तो गाड़ी तो परचेस करनी है ही अपने को। तो अभी $10,000 है अपने पास, $10,000 में कोई मतलब ढंग की गाड़ी मिल जाए ना कोई अच्छी सी, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। हाँ जी सर, बताओ आपकी गाड़ी, एक बार फर्स्ट कस्टमर हूँ मैं आपका वैसे सुबह सुबह का, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कोबेट गाड़ी। सर भाई 9,000 सर मांग रहे हैं, पर गाड़ी बिल्कुल भी डैमेज नहीं है भाई, मतलब गाड़ी तो मस्त है। ठीक है एक सेकेंड, इसी आसपास देख लेता हूँ एक दो गाड़ियाँ और, बाकी गाड़ी लुक कार एक सेकेंड। और गाड़ी तो बढ़िया लग रही है यार, एकदम कंडीशन भी बढ़िया है गाड़ी में, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ $9,000 में बार्गेनिंग करा लेंगे वो तो अपन, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आसपास देख लेते हैं। और भाई फर्स्ट गाड़ी बड़ी अच्छी मिल गई शायद अपने को, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि इतने में तो वो गाड़ी आराम से बिक जाएगी शायद तक। सेकेंड ये गाड़ी भी देखते हैं एक बार, मैम से बात करते हैं। हाँ जी मैम बताओ। भाई $7,000 बट कोई ना, ठीक है ये भी गाड़ी तो वैसे डैमेज है थोड़ी, इसको रिपेयर वगैरह करवाना पड़ेगा। बट भाई गाड़ी भी तो देखो ना, उसमें इसमें फ़र्क है काफ़ी। कोई ना, इस मैम से बात करते हैं। भाई भाई गाड़ी तो तगड़ी लग्जरी लग रही है ये वाली, ओडी S5 है भाई गाड़ी, कोई 17,000 महंगी दे रहे हो मैम। बट महंगी नहीं दे रहे मैम, मतलब कि गाड़ी एकदम कंडीशन बढ़िया है, बिल्कुल भी रिपेयरिंग वगैरह काम नहीं है उसके अंदर, कम्प्लीट गाड़ी है एकदम। ले जाके सिर्फ ओनली बेचनी है, अगर अपने को चाहो तो बेचना, ओनली फोर ले जाके डायरेक्ट बेचनी है। इस मैम से बात कर ले, भाई ये गाड़ी तो दिखने में महंगी लग रही है यार, अपने वहाँ से कहाँ सुपरा रहना। तो मैम डैमेज फिर भी 60,000। भाई अपन भाई एक काम करते हैं यार, ये गाड़ियाँ एक सेकेंड, ये दो गाड़ियाँ और बचे यहाँ पे, इन दोनों गाड़ियों को देख लेते हैं। बाकी मेरे को तो भाई फर्स्ट गाड़ी पसंद आ गई थी, एक बार में देखती भाई ये गाड़ी तो कितनी डैमेज है यार, देखते हैं एक बार। फिर भाई 28,000 भाई साहब। सर आप बताओ, आपके पास भी वही गाड़ी है कोबेट, भाई ये 13,000 दे रहा है, वो 9,000 में दे रहे, तो अपन वही वाली गाड़ी लेंगे ना 9,000 में, सेम गाड़ी है, मतलब मॉडल दूसरे सन का है, मतलब वैसे है बाकी गाड़ी सेम है एकदम। तो कोई ना, अपन वही वाली गाड़ी लेते हैं 9,000 वाली,
फर्स्ट गाड़ी जो दिखाई थी अपने को, फर्स्ट गाड़ी चल के उसके करते हैं एक बार बार्गेनिंग वगैरह उन भैया से। कोई ना, इनसे बार्गेनिंग करते हैं एक बार। ये वाली गाड़ी थी ना, वो फर्स्ट गाड़ी हम लोगों ने यही देखी थी, कोबेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोबाल्ट है, कोबेट नहीं है। 9077। तो एक सेकंड बार्गेनिंग करते हैं इनसे, ज़्यादा कम तो क्या ही करेंगे, 8000 में बात करते हैं एक बार। ऑफर 8000, इतने में तो कोई ना, 8500 करते हैं अपन, 8500। वैसे ठीक है, गाड़ी में अपने को रिपेयरिंग वगैरह का पैसा तो लगाना नहीं है ना कुछ भी, जाके डायरेक्ट बेचनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम थिंकिंग आई डू वॉन्ट मैनी चेंज। ओके 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 भाई, ये मान गया भाई, आई डोंट वॉन्ट मेक। अरे गाइस कोई ना, परचेज कर लेते हैं हम लोग गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके भाई, हमने गाड़ी परचेज कर ली बढ़िया आराम से, मान के भैया 8500 में। तो अभी हम लोग गाड़ी को एक बार चेक भी कर लेते हैं भाई, चेक करने का तो अपना फर्ज है, मतलब बाहर से ठीक है अंदर से भी ठीक ही है गाड़ी। तो कोई ना, एक बार स्टार्ट वगैरह करते हैं। तो ओ भाई, स्टार्ट तो हो गया आराम से, बढ़िया गाड़ी वाड़ी तो बढ़िया चल रही है वैसे, ठीक ठाक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इंडिकेटर वगैरह, राइट लेफ्ट, ठीक है। तो हम लोगों को गाड़ी वाड़ी मिल चुकी है आराम से, ये वाली गाड़ी भाई आज बेचनी है, ये वाली गाड़ी बेचेंगे हम लोग आज ले जाएंगे ये वाली गाड़ी। अपने का मतलब प्रॉफिट ये हो जाएगा इस वाली गाड़ी में, अपने को कुछ भी ना रिपेयरिंग नहीं करवानी, लेकिन भाई इसके चक्कर में ना अपने को आराम से चलना पड़ेगा एकदम। तो भाई कुछ नहीं रखा भाई, भाई भाई आराम से, एक सेकंड यार, एक तो मेरे को रास्ते याद नहीं है ना यहाँ के, नेबरहुड के बिल्कुल रास्ते भूल जाता हूँ मेरे को। तो उस साइड से निकलना था यार मेरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार भाई सो बच गए यार, एक्सीडेंट होते होते रह गया भाई अपना, तो मतलब कि अभी खर्चा भी जाता, वैसे क्या दिक्कत रहती है अपने को तो, और पैसा अपने पास बचा भी नहीं है, पूरा पैसा तो अपन ने गाड़ी में लगा दिया, बड़ी दिक्कत वाली बात रहती है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, चलो अपने को हो गया काम, निकल गई अपनी गाड़ी तो अभी, तो अभी हम लोग निकलते हैं डायरेक्ट सीधा अपने ऑफिस पे, भैया वाली गाड़ी बेचनी आज, थोड़ा मतलब कि प्रॉफिट हो जाएगा लग रहा है इससे, चांस कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा इससे अपने को, बट कोई ना देखते हैं तो वहाँ जाके ही पता चलेगा यार। बट यहाँ से तो अभी हम लोग ओनली फॉर अंदाज़ा लगा रहे हैं, अंदाजे के हिसाब से तो क्या ही चलता है खैर, बट कोई ना। ओ भाई इधर मत आ यार, गाड़ी गंदी हो जाती है इस साइड आने पे, ओनली सड़क सड़क पे चलानी है आराम आराम से भाई गाड़ी। भाई सॉफ गाड़ी यार, उनकी स्पीड तो आराम से पकड़ रही, कंट्रोलर भी अच्छे हैं गाड़ी के, ऐसी कोई बात नहीं है। ड्रिफ्ट मारते हैं एक बार। ओ भाई एक नंबर गाड़ी भाई, एक नंबर भाई, लग रहा है आराम से बिकी ये गाड़ी, गाड़ी तो आराम से बिकी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बिकने वाली है ये वाली गाड़ी भाई। तो मतलब क्या कंट्रोलर है, स्पीड अच्छी पकड़ रही है गाड़ी आराम से, बिल्कुल डेंट वेंट कुछ भी नहीं है, मस्त ये गाड़ी आराम से बिकने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली अपने को। का खर्चा मोटा चिट्टी यार, अब चेक करते हैं एक बार उतर के यार, इसमें क्या मजे में हम लोगों ने अपनी स्थिति कर लिया, दिमाग खराब, मजे में गाड़ी चला रहे थे, मजे में अपने ने खुद की गाड़ी ठोक ठाक ली। अब गाड़ी में देखो कितना खर्चा आएगा, 7% डैमेज हो गई गाड़ी, शिट यार। अब फिर से वही चीजें करो यार, दिमाग खराब। तो है ना भाई, चलो करते हैं एक काम करते हैं, अपन वॉश तो यहीं से करा लेते हैं, वॉश तो करवानी पड़ेगी ना अपने को, तो एक काम करते हैं वॉश तो यहीं पे करवा लेते हैं, 39% है डर्टी है तो वॉश तो करवा ही लेते हैं, इधर की तरह आ रखे हैं अभी ऑलरेडी, फिर से उधर रिपेयर कराएंगे, इधर आना पड़ेगा। तो अभी एक काम करते हैं, अपने वॉशिंग का काम तो फ्री कर देते हैं यहाँ से, ठीक है सर, गाड़ी वगैरह साफ कर दो हमारी आप, हम लोग वेट करते हैं 2 मिनट आपका, जब तक करो आप वॉशिंग वगैरह।
आगे से ले लेंगे गाड़ी अपनी। चलो आगे चलते हैं, निकलते हैं सामने से। देखो तो मतलब ये वॉशिंग वाला सिस्टम बड़ा तगड़ा हो गया, मतलब अपने यहाँ पे इंडिया में नहीं है वैसा ऐसा, मतलब है एक दो जगह पे, मतलब बहुत कम रेयर केस में मिलता है ऐसा, बाकी अधिकतर मिलता नहीं है। और ये वाला वॉशिंग का सिस्टम बड़ा तगड़ा है, इसके अंदर तुम गाड़ी के अंदर बैठे बैठे गाड़ी को वॉश करवा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती भाई। शाम की 5 बज गई अपने को, और भाई ये गाड़ी अभी तक अपन लेके वहाँ भी नहीं पहुँचे, बताओ। गाड़ी वॉशिंग हो गई अपने कंप्लीट, पेमेंट वगैरह हम लोग कर चुके पहले, अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से गाड़ी लेके बस। एक मन तो कर रहा है मेरा क्या ही, थोड़े इसको नहीं करवाएंगे यार, इसको ना मतलब रिपेयर नहीं करवाएंगे, इसको डायरेक्ट बेचते हैं। 7% डैमेज, ओनली 7% डैमेज के लिए भाई वो पैसा बहुत लेते हैं यार, एक तो मतलब लूटते हैं, अच्छे से लूटते हैं यार। तो कोई ना, आपकी भाई ट्रिप वगैरह कुछ नहीं माननी, अभी प्यार से जाना है, गंदी वंदी नहीं होनी चाहिए। गाड़ी सामने ही है, बस आ गए हम लोग, उसको बस बेचते एक बार। फर्स्ट गाड़ी अपने आज की है, क्योंकि आराम से आराम से आराम से आराम से। ओके 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 ओके, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ठीक है, इस गाड़ी वगैरह पार्क कर दी हम लोगों ने भाई। अब ये गाड़ी देखो लगने में मस्त लग रही है बिल्कुल, एकदम ज़्यादा डेंट वेंट कुछ भी नहीं है। 7% डैमेज है, वो स्क्रेचेस वगैरह हैं नॉर्मल, वही ज़्यादा कुछ नहीं है खर्चा वर्चा इसमें वैसे भी। तो अभी हम लोग भाई इस गाड़ी को डालते हैं भाई सेल पे, लगाते हैं इसको। ओके, इसकी प्राइस डालनी पड़ेगी, हम लोग इसको लिए 8550 इसमें लगा दिए हम लोगों ने, इसमें कम से कम हम इसको डालते हैं यार 10,500 तो डालते ही है कम से कम इसमें, शायद चांस तो कम लग रहा है मेरे को इतने में तो क्या बिकेगी, बट 10,000 तक भी बिक जाए तो काफ़ी है। ठीक है चलो, कोई ना प्रॉफिट वगैरह हो जाएगा अपना थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा प्रॉफिट तो एक साथ नहीं ले सकते हम लोगों को भी, कस्टमर वगैरह भी तो बनाने हैं, कस्टमर वगैरह अपने पास है नहीं, तो सेल वगैरह पे कितना क्या फोकस है अपना, गाड़ी वाड़ी बिक जाएगी या नहीं बिकेगी अपनी, वैसे तो बिक जानी चाहिए, ज़्यादा अपनी महंगी तो नहीं लगाई वैसे, बट कोई ना भाई वेट करते हैं देखते हैं। जब तक एक बार सामने चलते हैं वो कबाड़ी वाले भैया के पास, वहाँ पर जाके भाई देखते हैं थोड़ा बहुत भाई। आज तो इनके पास भी भाई गाड़ियाँ वगैरह आ रखी है रिपेयरिंग के लिए, देखो अच्छी खासी गाड़ियाँ आ रखी है आज तो इनके पास ही वैसे। ठीक है चलो कोई ना भाई, करो काम वाम बढ़िया। जंक यार्ड में चलते हैं, जंक यार्ड में भाई अपने लिए भाई मिल जाएगी चीज़ें पड़ी है वहाँ पर, कोई ना पैसा वैसा आएगा थोड़ा अपना, मतलब बस का जो ट्रेवल करते हैं अपन उसका तो पैसा निकल ही जाता है कम से कम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो इसके लिए कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता, इसका ना यहीं का कबाड़ उठा के इसी को दे देते हैं अपन लोग, पागल बनाते हैं इसको, और भाई पैसा आता है बढ़िया आराम से। सेकंड एक और चीज़ पड़ी है यहाँ पे, अब ये जो चीज़ मिली है अपने को ये देख के चलते हैं अपन लोग भाई। $40 आ गए अपने पास, बढ़िया बता रहा हूँ, $40 मतलब देखो इतना पैसा आ चुका अपने पास कहीं भी जाने के लिए। ओके क्योंकि भाई अपने कस्टमर आया, भाई कस्टमर आया, एक सेकंड, आराम से आराम से, सड़क देख के क्रॉस करनी चाहिए भाई हमेशा। ओके ओके ओके, हाँ जी सर। और ये आदमी यार पता नहीं कितनी जगह मिलेगा मुझे, सर रेट बताओ आप, डायरेक्ट मेरे को और कुछ नहीं सुनना। वो आई थिंक द पेड प्राइस, ओ भाई ये आराम से खरीद रहा है इतने में, तो मेरे को लग रहा है मैंने सस्ती डाल दी यार ये, बट कोई ना अभी हम लोग बेचते हैं भाई इसको बढ़िया आराम से। ओके थैंक यू सर, भाई मेरे को पता था वो गाड़ी बिक जाएगी आराम से, आराम से बिक जाएगी वो गाड़ी, अपनी फर्स्ट गाड़ी प्रॉफिट दे दी अपने को। कोई ना भाई फटाफट चलते हैं भाई, अभी भाई फटाफट नेबरहुड चलेंगे आप भाई वापस से। एक सेकंड, यहाँ क्यों आ गया मैं, खुशी खुशी में इधर आउट आ गया मैं भाई। चलो बढ़िया, अपने पास अभी $11,700 हो चुके अपने पास, तो अभी हम लोग भाई अभी नेबरहुड चलते हैं फिर से एक बार, वहाँ पे एक दो गाड़ियाँ और थी तो वहाँ पे एक दो गाड़ियाँ और थी तो वो वाली गाड़ियाँ भी लेके आते हैं। पर एक सेकंड एक काम करते हैं, नेबरहुड जाएंगे, नेबरहुड गाड़ी है यार, क्योंकि कार मार्केट आज खुला नहीं वैसे भी, तो कार मार्केट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेबरहुड में आ चुके हैं हम लोग भाई, यहाँ वाली जो गाड़ी थी वो तो हम लोग ले गए थे, बाकी यहाँ पे और भी गाड़ियाँ थी यार। यार ये तो नहीं थी गाड़ियाँ, चेंज हो गया यहाँ पे, मतलब कि ये वही वाली गाड़ी लग रही है मेरे को जो अभी अपन ने बेची थी। एक सेकंड बात करते हैं सर से। हाँ जी सर,
होंडा सिटी है तो, होंडा सिटी तो भाई 1500 डॉलर में बिक रही है, बट चाहिए नहीं है होंडा सिटी। होंडा सिटी भाई इतना रुलाती है ना बिकने में, बिकने में इसको, ये पजीटो और होंडा सिटी ये दो तो भाई मतलब कि पूरा बिजनेस खराब कर देती है भाई। यो वाली गाड़ी, भाई यो वाली गाड़ी यार ये तगड़ी है, विंटेज टाइप कार है ये, थोड़ा ओल्ड मॉडल है लेकिन लगती है इंट के यार ये वाली गाड़ी। अपने बजट में है क्या ये? 24,000? नहीं यार, तो ओल्ड मॉडल है कार काफी, लेकिन मस्त कार है यार एकदम ये। वो ना चलो अभी अपने को क्या फायदा है इस चीज से, अभी अपना तो है नहीं ना वो, भाई ये वाली कार भी बिक जाती है वैसे आसानी से। अभी ये वाली कार देखते हैं एक बार कितना क्या इसका रेट वगैरह, बताओ मैम इसका। भाई 8,000, 3% डैमेज है ये, 14% पेंट, 1 सेकेंड लुक कार। ठीक है यार, मतलब इस साइड का डोर है ना मतलब वो डैमेज दे ओनली 3%। चलो कोई ना, एक बार मैम देख लेते हैं हम आसपास और, बाकी आपकी गाड़ी ठीक लगी हमको बार्गेनिंग करके देख लेंगे, ले लेंगे या तो। भाई स्कोडा है क्या यार ये? 1 सेकंड रुकना, वेगन टाइप। ओ भाई 68, नहीं, मैम रहने दो आप, रहने दो। आसपास है क्या और कोई कार? नहीं है मैम। चलो आपसे करते हैं डील हम तो। ये वाले कार क्योंकि मैंने एक बार पहले शायद बेची थी, मेरे को मतलब आराम से 2,000 है क्या, 1,000 डॉलर का प्रॉफिट हुआ था इस वाली कार में, तो इसलिए मेरे को थोड़ा चांस लग रहा है ये वाली कार बिकने का आसानी से। मैम से बार्गेनिंग कर लेते एक बार। यहाँ पे 7,300 मैम, बताओ मैम। 8,400 तो मैम मांग रही है, 500 सॉरी। डू यू थिंक? नो मैम। तो फिर एक काम कर, मैम एक काम करो, आप तो फुल एंड फाइनल कर दो, 8,000 में कर दो फुल एंड फाइनल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो चल रहा है थोड़ा काम ठीक से अपना, लिटिल मच ऑफर। क्या मैम यार, मैम नहीं मान रही यार, मैम बोल रही है मैं कम नहीं करूँगी, इतने में लेनी पड़ेगी। तो कोई ना चलो अपन लोग ले लेते हैं यार, अभी हम लोगों को मतलब पता ही ये वाली गाड़ी बिक जाएगी वैसे, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी सोचना नहीं पड़ेगा इस वाली गाड़ी में। मतलब जो गाड़ी बिक जाती है ना आसानी से, उनको लेने में दिक्कत नहीं आती इतनी। बाकी अपन लोग इंडिकेटर वगैरह चेक कर लेते हैं, अपना जो काम है रेगुलेशन का डेली बेसिस का जो हम लोग करते हैं, एक बार हॉर्न वगैरह के, हॉर्न वगैरह आराम से, लाइट्स वगैरह ऑन हो रही है आराम से। चलो बढ़िया, हम लोग निकलते हैं भाई। ठीक है मैम, आपने कम तो नहीं किया, बट कोई ना चलो। क्या दिक्कत है, हम लोग तो भाई आराम से भाई, तो यहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी स्पीड में चलती है यार एक तो। कोई ना चलो, अभी हम लोग ना मतलब इस गाड़ी को लेके निकलते हैं डायरेक्ट, मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं, ओनली 15% डैमेज है अपने को, इसको ज़्यादा डैमेज नहीं करना, कहीं हम लोग ज़्यादा डैमेज में लगा दें इसको। तो अभी हम लोग निकलते हैं भाई यहाँ से आराम से, भाई सामने ये चीज़ बड़ी तगड़ी है यार, वो गाड़ी उड़ाने वाली। चल 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 चल, ट्राई तो मारते हैं ना एक बार, देखे ये चीज कितना वो है, इसके अंदर है क्या चीज है वैसे। ओ भाई साहब ये बढ़िया सीन है यार। ओ भाई डायरेक्ट आ गए हम लोग तो यार इस साइड। ओ भाई डैमेज हो गया बट काफी, लेकिन हम लोग इस साइड आ गए, हम लोग डायरेक्ट इस सेकंड सामने से देखना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। ये तो मेरे को, ओ भाई रिपेयरिंग वाले को ऑफिस आ भी गया डायरेक्ट, ये तगड़ा सीन है यार भाई। लेकिन ये डैमेज हो गई काफ़ी गाड़ी, तो ये गाड़ी दो तीन जगह ठुक गई अपने से, तो अभी डैमेज काफ़ी हो गई, तो अभी इसको रिपेयरिंग के लिए करवाना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी इसको रिपेयर करवाते हैं हम लोग। येलो सर गाड़ी पकड़ो हमारी आप, और इसको रिपेयरिंग पे चालू कर दो काम अब तो करो रिपेयर आप। ओके ओके ओके, 390 डॉलर लग रहे हैं फ्रंट डोर और लेफ्ट डोर है, तो कोई दिक्कत नहीं, करो सर। चलो आप रिपेयर वगैरह करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपन चल के आते हैं एक बार अपने ऑफिस के साइड, तब तक ये रिपेयर वगैरह भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
भाई कोई कस्टमर वगैरह ऐसे आके वेटिंग में तो बैठते नहीं है अपने यार, पता नहीं क्या सीन चल रहा है मतलब। थोड़ा तो काम ना थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा, काम मंदा चल रहा है थोड़ा वैसे बोले तो अपने लैंग्वेज में। तो कोई बात नहीं भाई, काम मंदे को तो ठीक कर देंगे हम लोग भाई, गाड़ी वगैरह देख लेते हैं रिपेयर कर दी होगी वैसे अभी तक तो, कर दी शायद रिपेयर, ये ऐसे लेके खड़ा ही है जब से। रिपेयरिंग वगैरह है क्या कुछ? ओके ओके रिपेयरिंग वगैरह ठीक कर दी, पता नहीं चला कब और ऐसा ठीक कर दी इन्होंने तो। अभी ओनली चाहिए हम लोगों को, अरे यार हटो। अभी कार को वॉशिंग करवा दी है, कार वॉश करवाते हैं हम लोग, मतलब तो ज़्यादा दूर नहीं है वो भी घर के पास ही अपने। तो भाई ड्राइविंग बड़ी गंदी है अपनी यार, कोई ना अब इसको रिपेयर नहीं कराने वाला मैं, अब तो ऐसे बेचूंगा इसको, बस ओनली वॉशिंग वॉशिंग कराऊंगा, वॉशिंग करवा के ऐसे कैसे बेच देनी है इसको वापस। बहुत दिमाग ख़राब कर दिया इस गाड़ी के ना, कंट्रोलर अच्छे नहीं, जैसे मैं बोलता ना वो गाड़ी खुशी से कोई भी लेगा, मेरे को लग रहा है ये गाड़ी लेने में लोग नाटक करेंगे क्योंकि ये गाड़ी ना कंट्रोलर ऐसे जा रहे हैं इसके बहुत गंदे वाले। ये देखो कुछ भी मतलब, चलो निकलो यार इसको वॉश करो यार अंकल, लग रहा है आज लॉस का सौदा हो गया अपना, तो लॉस खाएंगे आज इस गाड़ी से लग रहा है मेरे को। मतलब सुबह सुबह जो फर्स्ट गाड़ी प्रॉफिट थी ना उसका मेरे को लग रहा है भरपाई करेगी अच्छे से वो लॉस करवा के, देखते हैं। चलो कोई ना, आप तो वॉश करो गाड़ी को, देखते हैं बेचने का ट्राई मारते हैं, कोशिश करेंगे अच्छी रेट में बिक जाए, प्रॉफिट तो दे कम से कम, थोड़ा दे बट प्रॉफिट तो दे कम से कम जी। गाड़ी वॉश कर दो आप तो फटाफट, देख लें भाई अभी। 5 minutes later. मेरे को कोबाल्ट वाली गाड़ी थी ना वो वाली गाड़ी, मतलब अपने को खरीदनी चाहिए थी और ढूंढनी चाहिए थी वो वाली गाड़ी, वो वाली गाड़ी क्योंकि मिल जाती है मतलब अच्छे दाम में बिकने का चांस रहता है उसका, मतलब वो फर्स्ट डाला था अपने प्राइस, वो फर्स्ट प्राइस में ऐसे कैसे बिक गए डायरेक्ट, तो उसका चांस रहता है मतलब भाई। तो कोई ना अभी ये वाली गाड़ी वॉशिंग वगैरह कम्प्लीट हो गई अपनी, अब उसको बाहर निकाल के देखते हैं भाई कितना क्या सीन है इसके अंदर, ख़राब और सही वैसे तो सही लग रही है गाड़ी दिखने में, इतना कोई डेंट वेंट दिख भी नहीं रहा देखने में, तो सही लग रही है, कोई डेंट वेंट नहीं दिख रहा इतना देखो। प्यार से लेके जाना पड़ेगा एकदम धीरे 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 धीरे। ओके 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 आराम से आराम से आराम से आराम से। ओ ला भाई भाई फ्यूल फ्यूल गया इसमें, फ्यूल गया फ्यूल हो गया फ्यूल गया फ्यूल गया फ्यूल गया यार, अब इसमें फ्यूल की दिक्कत, फ्यूल भरो इसमें। शिट 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 थोड़ा सा और पहुंच जा आगे बस यार, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, मतलब तो गुड़ा की रही है ऐसे, चल तो क्या ही रही है, देखते हैं कहाँ तक जाती है वैसे, अगर चली जाए तो अच्छी बात है, इसको भाई फ्यूल नहीं डलवाएंगे हम लोग, भाई डलवाते रहेंगे जो भी डलवाएंगे, बस एक बार वहाँ तक चले जाए अपने वहाँ तक, बस चले जा चले जा। चले जा चले जा, चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, भाई फ्यूल नहीं डलवाएंगे इसमें अगर ये वहाँ तक, बस थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा बस थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ी सी दूर चले, बस थोड़ी सी दूर थोड़ी सी दूर थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी, बस सामने आ गया सामने आ गया अपना ऑफिस, बस वहाँ तक चल ले एक बार। चल 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 चल, बस थोड़ा सा और भाई, स्पीड तो एकदम मतलब जीरो है एकदम, बस ये गाड़ी चल रही नहीं रही, मान लो गाड़ी हिल रही है बस ओनली है, बट कोई ना बढ़िया आराम से मतलब 0.2 की स्पीड से बस अपने को तो पहुंचा देना चाहिए, बस टाइम अपने को तो वहां पहुंचा दे अपने भाई बाबू मोटर्स पहुंच जाए हम लोग तो बस ओनली, बाकी उसके बाद में बेच देंगे अपने को क्या है, फोन पेट्रोल डलवाने बैठेगा खर्चे पे खर्चा, ये गाड़ी तो वैसे बड़ा खर्चा करा रही है भाई। गई अब बिल्कुल गई भाई, अब नहीं चलेगी ये, अब नहीं चलेगी, अब बिल्कुल गई है ये लो साहब, अब तो गई बिल्कुल, अब तो बिल्कुल गई है।
शिट, अब तो इसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा यार, उतर के पेट्रोल डालो इसमें। यार इसके लफड़े ना बड़े तगड़े तगड़े होते हैं यार। एक तो अब इसमें फ्यूल भराओ, पहले बताता था, पहले वहीं पे भरवा लेते, पेट्रोल पंप पे तो आए थे हम लोग। यहाँ पर थोड़ा महंगा पड़ता है पेट्रोल वगैरह भरवाना, तो इसलिए दिक्कत रहती है। तो ना चल चलते हैं भाई, थोड़ी दूर आई, फालतू टाइम वेस्ट हुआ अपना, इतने से दूर के लिए पेट्रोल भरवाना पड़ गया अपने को, बताओ यार हद। मतलब ये गाड़ी भाई, ये जो मनुष्य नहीं होती, जो खर्चा करवाती रहती है बस। तो पहले अपने वो खरीदी थी अपने पजीटो, पजीटो में हमने कितना पैसा लगाया था यार, फिर भी मतलब वो लॉस में गई थी अपने। तो ये वैसी गाड़ी लग रही है मेरे को आज। कोई ना भाई, ट्राई मारते हैं इसको, देखते हैं अगर बेचने के ट्राई मारेंगे, मतलब लॉस तो ना खाए, कम से कम प्रॉफिट भी ज़्यादा ना हो। तो एक सेकेंड इसको डालते हैं फटाफट भाई, 8,500-4,000 टोटल, कम से कम 9,000 इसके ऊपर स्पेंड कर चुके हैं हम लोग। तो कम से कम हम लोग उसको इससे आराम से नाना करते हैं भाई, 9,000 कर चुके इसके ऊपर, तो कम से कम 10,000-11,000 डालते हैं एक बार इसमें। लेकिन पिछली बार गाड़ी ना मतलब एक बार में बिक गई थी अपने, तो कोई ना 11,000 डाल के ट्राई मारते हैं इसके ऊपर एक बार। वैसे तो मेरे को नहीं लग रहा ये गाड़ी को 8,000 में भी लेगा, देखो जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी देखते हैं भाई किस्मत अपनी। आ जाओ यार कोई कस्टमर वगैरह, थोड़ी डैमेज भी हो गई ना यार ये गाड़ी, मतलब कंट्रोलर अच्छे नहीं इसके, रियल में अच्छे नहीं कंट्रोलर इसके, मजाक की बात नहीं है भाई। यहाँ मॉडिफिकेशन चलती है भाई, हम लोग भी भाई पैसा वैसा है नहीं अपने पास में, तो अपन भी मॉडिफिकेशन करवाएंगे यार, एक दिन अपनी गाड़ी लेके आएंगे यहाँ पे, मॉडिफाई करवाएंगे हम लोग भी, तो है ना। चलो ओ भाई भाई, कस्टमर आ गए, फटाफट 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 फटाफट। हाँ जी सर, सर आप बताओ, सूट वूट में आया कन्हैया, बताओ साहब। फ्यूल तो 100% है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक प्राइस 9,500, मतलब अपने लॉस में तो नहीं है ना, ये लॉस में तो नहीं है। वेट करो सर 2 मिनट, 1 सेकेंड। 8,000, चूती आदमी है क्या तू, बता बे साले कॉपी। वो भाई खुद मारने का मन कर रहा है मेरे को, 6,500 बोले, 6,56 कहाँ से रुट के आए ये लोग। सर 1 सेकेंड रुक जाओ बस, आप मेरे को लग रहा है कि आप ही लोगे ये गाड़ी। ये मैम का तो मैम, मैम बताओ बताओ मैम, आई एम थिंकिंग 8,400। नो मैम, हम तो इन सर को ही भेज देंगे इससे अच्छा। तो सर बताइए, 9,500, 1 सेकेंड सर, 10,000 बोलता हूँ मैं सर को, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, जल्दी जल्दी सर चले ना जाए बस। ओके तो ठीक है, इसमें फटाफट भाई 10,000 में बिक गए अपनी गाड़ी भाई आराम से। चलो ठीक है, $1,000 का प्रॉफिट तो दिया इसने, चलो लॉस नहीं दिया, चलो अच्छी बात है भाई। हम लोगों के पास भाई 10,000 थे आज ओनली सिर्फ, हम लोगों ने भाई 2 गाड़ियाँ सेल कर दी, मतलब दोनों में प्रॉफिट था, मतलब लॉस जैसा कोई सीन नहीं था, दोनों में बढ़िया आराम से नॉर्मल प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था। अब एकदम से बड़ा प्रॉफिट नहीं ले सकते हम लोग, तो अभी भाई ये मतलब कि अपने पास $12,000 हो चुके हैं भाई। तो अभी हम लोग चलते हैं भाई, अभी हम लोग कार बाज़ार चलेंगे, कार मार्केट चल के वहाँ से आपको गाड़ी वगैरह देखते हैं नेबर रोड की जगह, क्योंकि हम उस साइड से भी गाड़ी लेके आ रहे थे, मैंने देखा था कार मार्केट खुल चुका था, तो कार मार्केट खुल गया तो इसमें जाए भाई। क्या कार मार्केट फिर से बंद हो गया क्या यार, अभी मैंने देखा था जस्ट यार, मैं उस साइड से आया जब देखा था मैंने, कार मार्केट खुल चुका था। शिट यार, तो ये पैसा फालतू लगाते हैं अपना। ओके चलो सर को थोड़ा पैसा डोनेट कर देते हैं, पिछली बार भी हम डोनेट करते हैं तो अपना मतलब अच्छा सा काम चलता है, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर थैंक यू, ठीक है भाई चलो कोई ना, अभी हम लोग एक काम करते हैं, वैसे भी काम वाम तो कर लिया, 2 गाड़ियाँ बेच दी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह भी कमा लिया, लॉस वॉस नहीं कमाया, तो ज़्यादा लालच नहीं करते हैं अब। अब ऑफिस वगैरह क्लोज करके घर चलते हैं सोने आराम से, वो फिर कल करेंगे बाकी की सेल वगैरह। ऑफिस करो क्लोज, ओके बाय बाय। तो अभी हम लोग घर चलते हैं सोने के लिए, कंटेनर चलो अपने वहीं सोते हैं जाके। और भाई अब
कल मतलब कोई अच्छी सी गाड़ी परचेज करेंगे, देखते हैं कल जो भी जुगाड़ बैठेगा अपना, तो अभी जाके सोते हैं। तो ठीक है आज की वीडियो में सिर्फ इतना है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, दबा के और भाई शेयर कर दो वीडियो को, दबा के और कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और भाई अभी तो मतलब अपने पास $10,000 है, हम लोगों ने मतलब ये करा था आज का गेम स्टार्ट, अभी अपने पास $12,648 है अपने पास अभी ऑलरेडी। तो अभी भाई रात भी हो चुकी है देखो, तो अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सोने, और भाई मोर कल मिलते हैं आपसे फिर से एक बार, तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस, और जाके चैनल को मान लो सब्सक्राइब फटाफट जाके। ठीक है गाइस, बाय बाय।